हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे असम ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में सर्टिफिकेट अप्लाई करना मुश्किल हो गया है इन दिनों में सर्वर प्रॉब्लम की वजह से। और अगर आपने सर्टिफिकेट अप्लाई करा था, कास्ट सर्टिफिकेट, पीआरसी या इनकम, कोई भी सर्टिफिकेट आपने जो अप्लाई करा था, अप्रूव होने के बावजूद भी आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। मैं इसमें आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप सर्टिफिकेट को अप्लाई करेंगे, और अगर आपने पहले ही अप्लाई करा था, अप्रूव हो चुका है, उसे आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो किस प्रकार से आप उसे डाउनलोड करेंगे, ये सारी चीजें विस्तार से दिखाएंगे, तो बने रहिए अंत तक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजू और आप देख रहे हो टैक्स सॉल्यूशन। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आपसे है एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे आईटेक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। और दोस्तों, अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब करके रखा है तो आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लीजिए। मैं रिकमेंड करूंगा आप मोजिला फायरफॉक्स को यूज करिए। मोजिला फायरफॉक्स ओपन कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देख लेता हूँ एम्ट्रॉन ई डिस्ट्रिक्ट का सर्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जो पहले हम लोग सर्टिफिकेट अप्लाई करता था। यहाँ पे पहले ही लाइन पे लिखा हुआ है अंडर मेंटेनेंस, होम पे क्लिक करके देख लेता हूँ तो ये नहीं खुलेगा, ये गोल गोल घूमते रहेंगे, ये सर्वर इस लिंक से तो खुलेगा नहीं। तो मैं एक लिंक पेस्ट कर रहा हूँ, ये लिंक मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से कॉपी करके इस प्रकार से एड्रेस बार पे आप पेस्ट कर दीजिए और एंटर मार दीजिए। एक बार ट्राई अगेन कर दीजिए, उसके बाद वही सर्वर ओपन हो जाएंगे, आप लॉगिन हो जाइए अपनी स्क्रीन नेम से, और यहाँ से आप कोई भी सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो कास्ट हो, कास्ट, या फिर आप पीआरसी को भी अप्लाई कर सकते हो, वही पहले वाला सर्वर ही है लेकिन लिंक दूसरा है, और यहाँ पे इनकम भी बना सकते हो। तो आप यहाँ से अप्लाई करेंगे, यहाँ से आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, डाउनलोड करने के लिए दूसरा लिंक चाहिए, वो भी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, आप उसे कॉपी करके फिर से एड्रेस बार पे पेस्ट कर दीजिए और एंटर मार दीजिए, और यहाँ अपने आईडी पासवर्ड लगा करके लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल दीजिए और सर्च कर दीजिए और यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो ये सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है, आप देख सकते हो ये है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक कंडीशन है, ये 2024 का अप्रूवल हुआ सर्टिफिकेट है, किसी का सर्टिफिकेट 2023 में अप्रूव हुआ है, उसे इस प्रकार से डाउनलोड नहीं होंगे, उसका डाउनलोड करने का तरीका अलग है, उसे भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो फिर से उसी पेज में चले जाइए, उसी लिंक को ओपन कर लीजिए, और मैं दूसरा एक सर्टिफिकेट नंबर, एप्लीकेशन नंबर कॉपी कर लेता हूँ, ये 2023 में अप्रूव हुआ था, ये इस प्रकार से डाउनलोड नहीं होंगे, लेकिन मैं उसे भी इसे भी दिखा दें, सर्च कर दिया मैंने और यहाँ पे डाउनलोड दिख रहा है, लेकिन डाउनलोड जब करेंगे तो नहीं होंगे, यहाँ पे कुछ नंबर दिख रहा है, ये नंबर आप कॉपी कर लीजिए, ये 2023 का है, नंबर कॉपी कर लिया, फिर असम ई डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, असम ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, और ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में क्लिक कर दीजिए जहाँ से हम ट्रैक करते हैं, और आप नीचे देख सकते हो व्यू अप्रूव सर्टिफिकेट, और यहाँ पे कुछ 0000 दिख रहा है ना, सारे के सारे कॉपी कर लीजिए ब्रैकेट छोड़ के, और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे जो पहले जो सर्टिफिकेट डाउनलोड करा था 2023 का, जो सर्टिफिकेट डाउनलोड करा था, जो डाउनलोड नहीं हुआ है, एन एरर वाज इनकाउंटर दिखा रहा है, फाइल नॉट फाउंड दिखा रहा है, आप इस नंबर को कॉपी कर लीजिए, और यहाँ पे हाइफेन के बाद जो 00 है उसमें से एक 0 छोड़ के 1 0 रहना पड़ेगा, उसके बाद आप वो नंबर यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, उसके बाद दूसरे नंबर पे 3 0 है 1 0 काट दीजिए और 1 कर दीजिए, 1 ऐड कर दीजिए, बस अभी आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक कर दिया मैंने, और यहाँ से सर्टिफिकेट एप्लीकेशन इज अवेलेबल प्लीज क्लिक हियर करके पीडीएफ दिखा रहा है, अप्रूव सर्टिफिकेट दिखा रहा है, तो मैं पीडीएफ के आइकॉन पे क्लिक करके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर दूंगा, अभी कर लूंगा, तो डाउनलोड हो चुका, मैं इसे खोल के दिखा दे रहा हूँ, ये देख सकते हो सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया, ये 2023 का अप्रूव है, 2023 का जो अप्रूव है वो फाइल नॉट फाउंड करके आ सकता है, तो आप इस प्रकार से डाउनलोड करेंगे।
ठीक है। होप कि वीडियो आपको पसंद आया है, और अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों से भी शेयर कर लीजिए। कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी कमेंट की रिप्लाई जरूर दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर के। तब तक नमस्कार, जय हिंद।